हेलो फ्रेंड्स, क्लास 3 इंग्लिश क्विज अभ्यास 7 to 13 अगस्त। ओके, इसमें अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, वी हैव 2। हमारे पास क्या है? 2, 2 यानी 2। क्या चीज़ 2 है हमारे पास? एक तो हमारे पास लेग भी 2 है और आर्म्स भी 2 है, पर जो टीथ है वो हमारे पास 2 नहीं है। किसी के 32 और किसी के 32 होते हैं। ओके, तो 2 क्या है यानी 2 क्या चीज़ है हमारे पास वो हमको बताना है। तो हमारा आंसर होगा, आर आंसर इज़ बोथ 1 एंड 2। बोथ का मतलब होता है दोनों। बोथ का मतलब क्या होता है? दोनों, यानी 1 एंड 2 दोनों। 1 भी होगा आंसर और 2 भी होगा। ओके, नेक्स्ट में हम मूव करेंगे। हमको क्या पिक्चर दिखा रखा है? लैग का पिक्चर दिखा रखा है। क्या है ये? लैग। ओके, हम इसमें नीचे जाएंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है? नेम द बॉडी पार्ट्स इन द गिवन इमेज। ये जो इमेज दे रखी है इसमें कौन सा बॉडी पार्ट दिया हुआ है, तो हमको ये नेम बताना है। टीथ है, टीथ यानी दांत, नो। ओके, लेग्स है, यस। ईयर्स यानी कान, नो। हैंड्स यानी हाथ, नो। तो आंसर क्या होगा हमारा? लेग। जो इमेज दे रखी है फोटोज के अंदर, लेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी टेस्ट विद द हेल्प ऑफ। हम किससे टेस्ट करते हैं? ईयर्स यानी कान से, टीथ यानी दांत से, नोज यानी नाक से, और टंग यानी जीभ से, जीभान से। तो यस, हमारे को टेस्ट कहाँ से पता चलता है? हमें टंग से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी शुड ब्रश आर। हमको ब्रश करना चाहिए, आर यानी हमारा, और डेली यानी हमेशा। क्या क्या करना चाहिए? ब्रश आर्म्स को, आर्म्स यानी हाथ, हाथों को ब्रश करना चाहिए। ईयर्स यानी कानों को, लेग्स यानी पैर को, या टीथ को, किसको करना चाहिए? टीथ ब्रश करने चाहिए। तो वी शुड ब्रश आवर टीथ डेली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टीथ यानी दांत होता है। विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हेल्प्स अस टू हियर म्यूजिक। क्या पूछा है? हियर, हियर यानी सुनना। क्या होता है इसका मतलब? सुनना। और क्या सुनना है? म्यूजिक। म्यूजिक सुनने के लिए हमको कौन सा बॉडी पार्ट हेल्प करता है, कौन सा बॉडी का पार्ट हेल्प करता है? तो हम किससे सुनते हैं? ईयर यानी कान से, यस। आई यानी आँख से, नो। हैंड यानी हाथ से, नो। लेग यानी पैर से, नहीं। हम किससे सुनते हैं? ईयर से। किससे? ईयर यानी कान से। ओके, ईयर मीन्स कान, इनसे हम सुनते हैं। तो म्यूजिक कहाँ से सुनेंगे? ईयर से। विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हेल्प्स अस टू स्मेल फ्लावर। क्या बोला है हमें? स्मेल किससे आती है? स्मेल यानी हम कोई स्मेल सूंघते हैं हम किससे, है ना? और किस चीज़ को? फ्लावर को। फ्लावर की स्मेल हमको कौन से बॉडी पार्ट से आती है? टंग यानी होता है जीभ। जीभ से आती है स्मेल? नो। ईयर, ईयर्स यानी कान। कानों से आती है स्मेल? नो। ई वाई ई आईज, आईज मतलब आँखें। आँखों से स्मेल आती है? नो। नोज से आती है, एन ओ एस ई, नोज। आंसर नंबर 3, नोज। नोज से हमें स्मेल आती है। ओके, विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हेल्प्स अस टू होल्ड थिंग्स। होल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ना। होल्ड का मतलब क्या होता है? पकड़ना। थिंग्स यानी चीज़ों को। अब बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो चीज़ों को पकड़ने में हेल्प करता है? नी का मतलब होता है घुटना। घुटना हेल्प करता है? नहीं। एल्बो, एल्बो का मतलब होता है कोहनी। कोहनी हेल्प करती है? नहीं। शोल्डर, सोल्जर नहीं है ये, शोल्डर। शोल्डर यानी कंधे हेल्प करते हैं? नहीं। कौन, किससे हम पकड़ पाते हैं? हैंड से। हैंड यानी हाथ, हमारे हाथों की मदद से हम किसी चीज़ को होल्ड करते हैं। होल्ड मतलब होता है पकड़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी यूज़ आवर नेक टू मूव आवर। हम हमारी नेक का, नेक यानी गर्दन, नेक का मतलब होता है गर्दन। गर्दन का हम यूज़ करते हैं टू मूव, यानी हिलाने के लिए। किस चीज़ को हिलाने के लिए आप गर्दन का यूज़ करोगे? हेड यानी सिर को हिलाने के लिए, लेग यानी पैर को हिलाने के लिए, हैंड यानी हाथ को हिलाने के लिए, स्टमक यानी पेट को। तो पेट हिलाने के लिए हम गर्दन का यूज़ नहीं करते, हाथ हिलाने के लिए हम गर्दन का यूज़ नहीं करते, और पैर हिलाने के लिए हम गर्दन का यूज़ नहीं करते। यानी हम सिर हिलाने के लिए गर्दन का यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हेड, एच ई ए डी, हेड। हेड यानी सिर हिलाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? नेक का। ओके, तो हम किसका यूज़ करते हैं, आपको समझ में आ गया? एक बार फटाफट हम इसका एक बार ग्लिम्स ले लेंगे। वी हैव टू लेग्स एंड आर्म्स, दोनों आएगा, तो आंसर नंबर 4 बोथ एंड 2। अब ये इमेज किसकी दे रखी है, तो नंबर 2 आंसर होगा, लेग की इमेज है। नेक्स्ट हम टेस्ट किससे करते हैं? टंग से। नंबर 4, वी शुड ब्रश आवर टीथ, हम हमारे टीथ को ब्रश करते हैं डेली। नंबर 4, कौन सी बॉडी का पार्ट है जो म्यूज़िक सुनने में, हियर करने में हेल्प करता है? हियर यानी सुनना, तो हियर का एच हटा दो तो ईयर आ जाता है। ओके, तो हियर हम करते हैं ईयर से।
द नंबर वन, विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हेल्प्स अस टू स्मेल फ्लावर्स, स्मेल हम किससे करते हैं, सूंघते किससे, नोज। नंबर थ्री, नोज कौन सी बॉडी का पार्ट है जो होल्ड करने में काम आता है चीज़ों को, होल्ड यानी पकड़ने में, तो एच फॉर होल्ड और एच फॉर हैंड, हैंड से हम होल्ड करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारी नेक को हम मूव करते हैं, गर्दन को हम हिलाते हैं, किस चीज़ को हिलाने के लिए, गर्दन हिलाने से हम क्या चीज़ हिलाते हैं, है ना, तो सिर हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, हाथ हिलाते हैं या पेट, तो हम सिर हिलाते हैं, सिर को बोलते हैं हेड। ओके, थैंक यू।